हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरटी एकेडमी। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर दुर्गेश सर। मैंने अपना बहुत सारा टाइम आप जैसे बच्चों को अच्छा करने में गुजारा है और आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। ये पूरे कैलकुलस की जान है। बहुत से बच्चों को मैंने सिखाया है कि कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। आप आरटी जेई का एग्जाम देंगे, बोर्ड का एग्जाम देंगे, तो ट्वेल्थ में बोर्ड के एग्जाम में 40 से प्लस मार्क्स का आपका कैलकुलस आना है। और अगर आप जेई में भी जाएंगे तो उसमें भी जेई मेंस हो या एडवांस हो, कैलकुलस का बहुत बड़ा वेटेज है। तो जो कैलकुलस है वो डिफरेंशिएशन से ही स्टार्टिंग होती है, कॉन्टिन्यूटी से बेसिकली स्टार्ट होता है। तो कॉन्टिन्यूटी के लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर डिफरेंसबिलिटी का भी लेक्चर पढ़ चुका है और आज चल रहा है डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 5। इम्प्लिसिट फंक्शन लास्ट क्लास में स्टार्ट कर लिया था, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। इम्प्लिसिट एक बार आपको फिर से बताएंगे। अगर आपने लेक्चर नंबर 4, 1, 2, 3 नहीं देखा है तो पहले आप उनको भी देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 इम्प्लिसिट। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि जो क्वेश्चन हो, क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के फॉर्म में होगा। यू कैन नॉट सेपरेट एक्स और वाई, आप एक्स या वाई को सेपरेट नहीं कर सकते, पहली बात। और इक्वेशन या क्वेश्चन शुड बी इन इक्वेशन फॉर्म। इक्वेशन जो है आपकी किस फॉर्म में होनी चाहिए? इक्वेशन फॉर्म में होनी चाहिए। अगर इक्वेशन फॉर्म में भी है तो भी हम क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए लिखा जाए y इक्वल साइन x प्लस y स्क्वायर। अब देखिए, अब आप इसमें देखिए ये इक्वेशन फॉर्म में है। अब आप इसमें ना y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आप सेपरेट कर सकते हो, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान देना है कि अगर इक्वेशन फॉर्म में दिया गया है क्वेश्चन तो उसमें मतलब इम्प्लिसिट फॉर्म ही लगना है। यहां पे देखिए इम्प्लिसिट फॉर्म है, तो यहां पे क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्ट आपको यही करना है। अपने मन से वाई नहीं लिखेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसमें अपने मन से वाई लिखते हैं, अपने आप से आपको वाई नहीं लिखना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स तो ठीक है आपका, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, वाई स्क्वायर का आ जाएगा टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को आपको एक साइड कर लेना है इसको, तो 1 माइनस 2y इक्वल टू कॉस एक्स। तो जो आपका dy बाई डी एक्स आएगा निकल करके वो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स होल अपॉन 1 माइनस 2y। और मैंने लास्ट क्लास में भी ये बात कही थी कि जो आंसर है आपका वो x और y और दोनों के फॉर्म में आएगा। और आप देखिए यहाँ x और y दोनों आ रहे हैं, x भी आ रहा है y भी आ रहा है। मतलब आपको ये परेशान नहीं होना है कि आपको अपने मन से y लिखना है, इक्वेशन फॉर्म में दिया है यानी कि वो कंफर्म होगा कि वो इम्प्लिसिट इक्वेशन है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है। यानी कि यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन ने क्या दिया था आपको, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है इक्वेशन के फॉर्म में। और अगर इक्वेशन के फॉर्म में है तो ये कंफर्म है इस बात का
कंफर्मेशन है इस बात का कि ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इम्प्लिसिट तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना है। और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करें, जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वाई स्क्वायर का, तो आप इसको एक्स स्क्वायर समझो, तो एक्स स्क्वायर का 2x, तो उसी तरीके से वाई स्क्वायर का, तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2y, और फर्दर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx। मान लीजिए dy dx ऑफ log y लिखा हो कहीं, तो log y का आप समझ लें 1 अपॉन y, और y को फर्दर कर देंगे तो dy by dx। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसमें और चीजें देखते हैं होंगे, अब आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, इसमें dy अपॉन dx आपको फाइंड करना है। सबसे पहली चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है। अगर इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया तो आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना होगा। तो आप चाहे तो यहाँ एलसीएम ले ले पहले, तो वाई ऑफ साइन एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई, वाई से मल्टीप्लाई कर दें, y sin x y plus x equal to x square y minus y square। अब यहां पर लगा दे differentiation with respect to x, differentiation with respect to x, यहां पर सीरियल से चलेगा, पहले तो y का करेंगे तो dy by dx sin x y as it is प्लस y as it is dy by dx of sin xy प्लस differentiation of x equal, इसका जब derivative करेंगे तो यहाँ पे product rule dy dx of x square y as it is प्लस x square as it is y का करेंगे तो dy by dx माइनस वाई स्क्वायर का करेंगे तो साइन, ये तो ठीक है साइन एक्स वाई एज इट इज रहेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई ऑफ कॉस एक्स वाई, फिर हम लोग करेंगे एक्स वाई का, एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल चलेगा सीरियल से, एक्स सेम y का dy upon dx plus y same और x का 1 plus x का differentiation 1, x square का हो जाएगा 2x, तो 2xy plus x square dy upon dx और y square का आ जाएगा minus का 2y dy upon dx। अच्छा जितने भी dy upon dx है सबको आपको collect कर लेना है, तो चलिए मैं एक साइड कर लेता हूँ, dy upon dx, एक तो ये sin xy वाला आ जाएगा, इस y cos xy का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी तो dy dx में आ जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा जाकर के xy cos of xy, और ये dy by dx दोनों आ जाएंगे इस साइड, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2y, जितना भी पोर्शन था मैंने सब कलेक्ट कर लिया, कांस्टेंट को इधर भेज देते जिसमें dy by dx नहीं लगा, कांस्टेंट तो नहीं कहना चाहिए, मतलब जिसमें dy dx नहीं अप्लाई उसको मैं राइट साइड करूंगा, 2xy तो ठीक है प्लस 1 भी ठीक है, 1 इस साइड आएगा सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस जब इस y cos xy का y के साथ करेंगे तो ये भी अलग पार्ट आएगा, माइनस को y square cos of xy। अब देखिए बात कर रहे हैं हम लोग dy by dx की, तो ये कंप्लीट पार्ट को आपको इधर डिवाइड कर देना है, तो वही हमारे लिए क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा dy by dx का। तो देखिए यहां पे क्या आएगा, तो dy by dx हमारा कंप्लीट आंसर आएगा 2xy माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स वाई होल अपॉन,
इधर डिवाइड में आ जाएगा ये साइन ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉस ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई, ये हमारे लिए फाइनल आंसर आ गया। मतलब कि अगर आपको इक्वेशन फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दिख जाए तो आपके माइंड में सबसे पहले आ जाना चाहिए कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन चल रहा है और इसमें हम लोग डायरेक्ट ही डिफरेंशिएट करेंगे। और मैंने भी कहा कि डायरेक्ट ही तो डिफरेंशिएशन कर दिया है, और यही काम आपको करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये इसमें भी इक्वेशन फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई डी एक्स ऑफ सेट एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई। सेक एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और फर्दर डेरिवेटिव किसका कर देंगे, एक्स प्लस वाई का। यहां पे प्रोडक्ट रूल यूज कर ले, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, y तो एज इट इज रहेगा प्लस x एज इट इज रहेगा, y का डेरिवेटिव कर देंगे तो आ जाएगा dy अपॉन dx। तो ये तो ठीक है, sec x plus y into tan of x plus y, x का डिफरेंशिएशन 1 और y का करेंगे तो dy by dx इक्वल y प्लस x dy अपॉन dx मल्टीप्लाई करें sec x प्लस y इंटू tan ऑफ x प्लस y प्लस इसका dy dx के साथ आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec x plus y tan of x plus y dy upon dx equal y plus x dy upon dx। इस वाले टर्म को मतलब जितना भी हमारा dy by dx है उसको आप वन साइड कर लीजिए, बाकी पार्ट दूसरी तरफ। तो मैंने dy by dx को एक साइड कर लिया, वो कॉमन कर लिया dy by dx, तो क्या बचेगा हमारा, sec of x plus y into tan of x plus y और ये साइड आएगा तो minus x equal, इस वाले पोर्शन को हम लोग इस साइड करते हैं, y माइनस sec ऑफ x प्लस y इंटू tan ऑफ x प्लस y, इस हिस्से को जो डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो हमारे लिए जो dy by dx आएगा निकल करके वो क्या आएगा, इसको देख लेते हैं हम लोग, y माइनस sec x प्लस y इंटू tan x प्लस y होल अपॉन sec x प्लस y इंटू tan x प्लस y और माइनस का x साथ में, मतलब कि यही चीज हमारे लिए क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान देना है इम्प्लिसिट के लिए इक्वेशन मस्ट बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म। अगर इक्वेशन आपकी पॉलिनोमियल फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि आप ये मान के चलें कि आपको इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करना है और उसमें y को x ऐड नहीं करना, x को x ऐड नहीं करना, आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना है, पूरा प्रॉपर वे में चलेगा बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है, आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ये एक बेस्ट मेथड जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लूंगा और डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो जरा उस मेथड को देखें एक बार।
यहां से अगर मैं x वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, y अपॉन साइन a प्लस y। हर बार करते थे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन अगर इस बार हम ये कर देंगे कि हमने x की वैल्यू y के टर्म में निकाल ली है, लेकिन अब कोई बच्चा कहेगा सर आपने तो कहा था x और y सेपरेट नहीं हो सकते, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि इक्वेशन फॉर्म में है। अगर क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म में है तो भी मैंने बता रखा है कि वो क्या होगा, इम्प्लिसिट होगा। दोनों ही बातें हैं इम्प्लिसिट के लिए, तो दोनों चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो यहां पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आपका आ जाएगा dx upon dy इक्वल, यहां सब चीजें निकल करके आएंगी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं dy dy माइनस y सेम dy dy ऑफ साइन ऑफ a प्लस y। तो यहां से जो dx अपॉन dy निकल करके आएगा हमारा वो कुछ इस तरीके से आएगा, साइन a प्लस y, y की वैल्यू 1, y साइन का हो जाएगा cos a प्लस y होल अपॉन, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस y। अच्छा वैल्यू हमसे किसकी पूछी गई है, dy अपॉन dx की, अभी फिलहाल हम लोगों ने क्या निकाला है dx अपॉन dy, तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं पलट दें इसको तो हमारा आंसर ही तो आएगा, तो चलिए इसको कर देते हैं रेसिप्रोकल, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें। तो dy अपॉन dx हमारे लिए क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस y होल अपॉन साइन a प्लस y माइनस y ऑफ cos a प्लस y, यही हमारे लिए आंसर आ गया। और यही आप देखिए अगर ध्यान से तो यही तो आपको प्रूफ करके लाना, तो कितने सिंपल वे में हम लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसी वजह से एक क्वेश्चन और देखेंगे, sin x इक्वल टू, अच्छा जैसे मैंने निकाला था, अब यहां पर देखिए आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं तब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो चलिए इसको भी करते हैं। तो y इक्वल sin x होल अपॉन sin x प्लस a, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर सेम का मतलब हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस से सेम रहेगा जो डिनोमिनेटर है। अच्छा डेरिवेटिव हम लोग किसका करेंगे, न्यूमरेटर का, और माइनस करके जस्ट रिवर्स कर दो, साइन एक्स डीवाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ए, तो साइन एक्स प्लस ए तो ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए। अगर आप ध्यान दें साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी ये फॉर्मूला आ रहा है आपके लिए साइन ए माइनस बी का। अगर आप इस फॉर्मूले को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्लास 11th का वीडियो लेक्चर देख लेना चाहिए, और वो कहां पे मिलेगा, आरटी एकेडमी पे, क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको देख लेना चाहिए क्योंकि पूरे फॉर्मूले मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सब कुछ उसमें डिटेल में करा रखा है। तो यहां पे फिलहाल मैं बता देता हूं कि ये sin a - b का फॉर्मूला है,
तो साइन ए माइनस बी अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए माइनस एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए, ये आ जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। और आंसर का हमारा यही आ रहा है, अब तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं इसको, साइन होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए। बड़ी आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लिया। बस आपको इम्प्लिसिट में इस चीजों का ध्यान देना होता है कि इक्वेशन फॉर्म में है, आप एक्स वाई को सेपरेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, सेपरेट भी हो जाएगा तो भी इम्प्लिसिट में ही कंसीडर होगा, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन फॉर्म में है, इक्वेशन फॉर्म में होगा तो भी, अदरवाइज हम लोग क्या करते थे, एक्सप्लिसिट में एक्स के फॉर्म में लिखा होता था वाई हम लोग लेट करते थे, तो वो एक्सप्लिसिट था। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, देखिए बिल्कुल सेम वैसे क्वेश्चन एक ये भी आ गया है, अब इसको आप लोगों को खुद ट्राई करना है, इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूं कि x इक्वल टू आप क्या कर लोगे इसमें, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। अब आपने जब y में सेपरेट कर लिया तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के ही रिस्पेक्ट में आपको क्या कर देना है इस क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट कर देना है, बिल्कुल सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपको, तो मेरे ख्याल से आप वो कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आपको सॉल्व करना है, चलिए मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूं इसमें। तो यहां पे आ जाएगा dx / dy, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, साइन ए प्लस वाई तो ठीक है आपका, और साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई, और फर्दर इसलिए नहीं करें क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में तो कर ही रहे हैं, साइन वाई और आ जाएगा आपका यहां पे कॉस ऑफ ए प्लस वाई होल अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। और ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है यहां पर, तो जो dy अपॉन dx आपका निकल करके आएगा वो क्या आएगा निकल करके, जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई होल अपॉन साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, तो ओवरऑल जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई होल अपॉन साइन ए। मेरे ख्याल से आपको ये टफ भी नहीं लगा होगा, बिल्कुल है भी नहीं और टफ लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि इम्प्लिसिट तो लगातार हम लोग कर ही रहे हैं ना, लास्ट क्लास में भी किया था, आज की क्लास में भी कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ नया आएगा उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे नई बातों को। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन वाई कोड एक्स कॉस ए प्लस वाई, आपको ये रिजल्ट प्रूफ करके लाना है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे लिए साइन वाई होल अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस वाई, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से कर चुके हैं, डीएक्स अपॉन डीवाई तो हमारा इस साइड आ ही जाएगा इक्वल डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर सेम डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस जस्ट रिवर्स कर दे साइन वाई डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर।
फर्दर डिफरेंशिएशन यहां होगा नहीं, cos ऑफ a plus y, sin y का डेरिवेटिव हमारा आएगा cos y माइनस sin y, और cos कम हो जाता है माइनस sin, तो ये प्लस हो जाएगा sin ऑफ a plus y होल अपॉन cos स्क्वायर a plus y। फिर से मैं आप लोगों को यही कहूंगा, ये फॉर्मूला आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री आरटीए एकेडमी पे पढ़ी हुई है पूरी तरीके से, फ्री एजुकेशन है, आप आराम से उसको देखें। कई सारे लेक्चर हैं ट्रिग्नोमेट्री के, पूरे लेक्चर आपको देखने चाहिए, क्योंकि 11th की ट्रिग्नोमेट्री अगर आप अच्छी कर लेंगे तो 12th में आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा, तो आपको देखनी चाहिए। तो cos a cos b plus sin a sin b, तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा cos a minus b का, तो cos of a plus y और minus y whole upon cos square a plus y, ये y से y कैंसिल। अच्छा यहां पर तो हम लोगों ने dx upon dy निकाल रखा है, लेकिन पूछा क्या गया है dy upon dx, इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए बस केवल, तो ये cos square a plus y आ जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा cos, और यही हमारे लिए फाइनल आंसर हो गया, और यही हमें प्रूफ करके लाना भी था। एक क्वेश्चन इसको भी देखते हैं ट्राई करके हम लोग, आप चाहे तो इसको देखो y वगैरह आ रहा तो y स्क्वायर कर सकते हैं, इसको पहले तो स्क्वायर कर लिया जाए, थोड़ा सा प्रूविंग पे भी फोकस करना होता है हमें। तो y स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 1 plus under root of 1 plus x की पावर 4, इस 1 को इस साइड ले आए, रूट ऑफ 1 plus x की पावर 4। अच्छा देखिए यहां पे y into y स्क्वायर माइनस 1 टाइप से आ रहा है, तो एक बार अगेन स्क्वायर कर दे, तो इस साइड तो हो जाएगा y की पावर 4 plus 1 माइनस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस एक्स की पावर फोर, ये वन और वन कैंसिल हो गया हमारा, तो बचेगा क्या वाई की पावर फोर माइनस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर फोर। यहां पर मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई की पावर फोर का हो जाएगा फोर वाई क्यूब, y का अगर आप करेंगे तो dy upon dx minus 2, तो constant है हमारा, तो 2 तो हमारा कहां आ जाएगा outside आ जाएगा, और y square करेंगे तो फिर से आ जाएगा 2y dy upon dx, और यहां पे ये मिल जाएगा 4x cube। अगर आप ध्यान से देखेंगे 4 2 into 2 4 and ये 4, ये complete cancel हो गया, तो यहां से आप dy upon dx common कर लें, तो अगर कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या y क्यूब माइनस y dy अपॉन dx इक्वल x क्यूब, y फिर से कॉमन कर लें y स्क्वायर माइनस 1 dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे लिए x क्यूब, और यही हमारे लिए आंसर हो गया है। यही देखिए आपको प्रूफ करके लाना, देखिए भी रहा है, तो बस आपको थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देना था कि कब स्क्वायर करना है कब नहीं करना। मैंने देखिए दो बार स्क्वायर किया इसके बाद ही आंसर निकल कर आया है, अगर आपको केवल dy by dx पूछा जाता तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन जब प्रूफ करने की बात करी आएगी तो आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और बहुत आसान है, अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे जैसे लेक्चर नंबर 4 में भी जो लास्ट वाला क्वेश्चन था बड़ा स्पेशल था, वैसे इसमें भी ये लास्ट क्वेश्चन बड़ा स्पेशल है। इस वाले क्वेश्चन को करने का मेथड ये है, तो आप यहां लेट करेंगे x इक्वल टू साइन अल्फा और y इक्वल टू साइन बीटा, ये थोड़ा सा स्पेशल है। अब देखिए क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू a टाइम्स साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर अल्फा, रूट के बाहर आएगा तो cos अल्फा प्लस cos बीटा,
इक्वल टू ए टाइम्स साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब देखिए इसमें लग जाएगा कॉस सी प्लस कॉस टी और इसमें लग जाएगा साइन सी माइनस साइन टी। फिर से मैं वही कहूंगा, अब तो आप समझ गए होंगे क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री आपको देखनी पड़ेगी। अगर अभी तक आपने क्लास 11th नहीं अच्छे से किया था 12th में आ गए तो पहले 11th को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री तो आपको डेफिनेटली पढ़नी पड़ेगी। तो क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट लेक्चर आपके हैं आरटी एकेडमी पे, तो आपको उसको देखना है। इसको देखो सॉल्व करें तो cos c + cos d 2 cos c + d / 2 इनटू कॉस सी माइनस डी बाई टू इक्वल ए टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इनटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू। टू कॉस से टू कॉस कंप्लीट कैंसिल हो गया, इतना हिस्सा आपका कंप्लीट कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन को इधर डिवाइड कर दो, cos upon sin बन जाएगा आपका cot alpha minus beta y equal to a। इस cot को अगर मैं इस साइड करूं तो alpha minus beta by 2 equal to आ जाएगा आपका cot inverse a। तो alpha minus beta की वैल्यू आ जाएगी 2 cot inverse a। इसमें बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज था, अल्फा की वैल्यू आपको यहां से लिख लेनी चाहिए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। एक्सक्यूज मी, अब क्या करेंगे, अब लगा दीजिए यहां डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन with respect to x। तो sin inverse x का जो derivative आपको मिलेगा वो मिलेगा 1 upon 1 minus under root x square, 1 upon root over 1 minus y square, और y का आपका आ जाएगा dy upon dx equal to 0। और अगर आप simple way में dy by dx हम निकालें तो ये आ जाएगा आपका root over 1 minus y square upon root over 1 minus x square, और यही आपको प्रूफ करके दिखाना था। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के यूज से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आज से इंप्लिसिट का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग और वो होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। लेकिन आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। बेल आइकन को इसलिए प्रेस करना है कि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए, जब सबसे पहले आएगा तो आपकी जो एजुकेशन है वो भी आपकी जल्दी जल्दी होगी। क्लास 12th की हम लोग सीरीज बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, इसके बाद मैराथन क्लास भी करेंगे जो लॉन्ग टाइम की होगी, जैसे 2 आवर्स की, 1.5 आवर्स की, जो भी होगी वो सब डिस्कस करेंगे आराम से हम लोग। तो अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में।